सब लोग जान ले। देखो ये काशी तो बहुत पौराणिक है, काशी का कोई जन्म नहीं हुआ, काशी स्वयं भगवान का शरीर है। इसीलिए कहता ना, काशी का जन्म भी नहीं, काशी का मृत्यु भी नहीं है, काशी पैदा नहीं हुआ, ये संसार खत्म हो जाएगा, काशी खत्म नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं काशी साक्षात शिव है, काशी का जो धरती है ये साक्षात शिव ही है। हाँ, पहला ये संसार में जल ही जल था, कहीं बैठने का जगह नहीं था, शिव स्वयंभू है ना, अपने आप को आए हो, उनको कोई पैदा नहीं किया, उनका जन्म भी नहीं हुआ, मृत्यु भी नहीं हुआ, इसीलिए उसको उनको देवादिदेव महादेव कहते हैं, देव कहते हैं, भगवान कहते हैं उनको, ईश्वर कहते हैं। ईश्वर का मतलब जिसका जन्म नहीं होता, जिसका मृत्यु नहीं होता। बाबा जी कहते हैं कि काशी मरग जीव और लोकी, हाँ हम ही आप नहीं, हाँ चीटी और पतंगा है ना, वो भी इस क्षेत्र में जो भी मरता है वो भगवान को पाता है। एक मिनट, इस शास्त्र का नियम के अनुसार तुम्हारे और आगे सवाल बहुत ज्यादा रहता है, अब सुनो। जब भगवान यहाँ काशी में दो स्वरूप में निराकार और साकार, साकार निकार निराकार में लिंग स्वरूप और साकार इसका मतलब शरीर ढांचे का स्वरूप। भगवान जब इस समय आए तब भगवान ऐसे बैठे रहते ना, वो कहते ना इंसान, अरे अपने आप को जान ले। जब तुम किसी सत्संग सुनोगे, कहीं जाओगे तो वो बैठेंगे, वो अपने आप को जानो, अपने आप को देखो। तो भगवान ऐसे बैठे तो कोई सवाल करता है, भगवान किसका ध्यान कर रहे? भगवान किसी दूसरे के ध्यान नहीं करते, अपने आंतरिक बैठते हैं, अंदर में देखते हैं। इसीलिए बोलते हैं ना, कोई व्यक्ति ध्यान करते समय बोलेंगे तुम अपने अंदर में देखो, हाँ तुम्हारी अंदर सब कुछ है। एक बार हनुमान जी जब लंका पार होते हैं, जामवंत बोलता है, आप हनुमान तुमको उड़ने के लिए नहीं आ रहा था, अपनी शक्ति को पहचानो। हाँ यही सवाल आता है वहाँ, भगवान ऐसे बैठते हैं इसका मतलब वो निराकार रूप में लीन है। जब नंदी पे चलते हैं वो साकार रूप में चल रहे हैं। हाँ पंचगंगा घाट के बारे में बताइए, इस घाट के बारे में। इस घाट तो कालांतर में बना है। अच्छा। पंचगंगा घाट का ये संसार भी यहाँ काशी में है, और किसी कोई घाट नहीं, कोई देवता नहीं है, नहीं ये हमने और तुमने बनाया है। काशी में विश्वनाथ का अलावा कोई नाम भी लेता है तो नरक में जाता है। ये प्राण लिहा, ये काशी खंड में वर्णन है इसका। काशी में आके किसी दूसरे का नाम लेना भी अनिवार्य है, यहाँ नहीं लेना निषेध है। यहाँ कैसे एक पत्नी पति के अलावा किसी का नाम ले लेती? भगवान शिव का नाम पशुपति है, ये संसार पशु है, वो पति है, पति के घर में हम। यहाँ काशी में तो मतलब ही नहीं उड़ता। हाँ बनाया है हमारे या तुम्हारे लोगों ने या जातियों ने, सांप्रदायों ने, राजा महाराजा ने, वो अपने आप जैसे जिस रूप में आता उसे बनाया गया है। काशी शिव के अलावा किसी के नहीं है। और दूसरा उसके आगे और जाके बता रहा हूँ मैं, काशी किसकी है पूछा जाए इस कलयुग में, काशी शिव भक्तों की है। काशी ना तुम्हारा है ना हमारा है, ये घर यहाँ खरीदने से तुम्हारा काशी कभी नहीं होगा, नहीं ये हमारी सोच हो सकता है। काशी उसके यहाँ से 10,000 किलोमीटर भी शिव भक्त जो विश्वनाथ का भक्त है ना, उसकी काशी है। जैसे एक बेटा विदेश में रहता है, तुम भले दत्तक पुत्र कितना भी ले लो, तुम्हारा बेटा विदेश में है तो वही बेटा है तुम्हारा, ये नहीं बन सकता। हाँ बन सकता है क्या? तुम्हारा अड़ोसी पड़ोसी तुमको भले ही जितना पूजा करे हो, लेकिन तुम्हारा बेटा कभी नहीं बन सकता हो। मतलब कहीं से भी आया शिव भक्त रहेगा तो उसका काशी हुआ ना? उसका है काशी। कहीं से भी दुनिया से अंदर से कहीं से अभी आओ, कोई जाति का हो, कोई धर्म का हो, जो शिव को निष्ठा से चरणों में समर्पित है उसी का काशी है, दूसरे का काशी नहीं है। जाति जूति ऊंच नीचे वो तो बाद की बात है। हाँ जानवर भी यहाँ शिव की शरण में है तो वही मुक्त पाएगा। अगर यहाँ रह के काशी में अगर अन्य जगह वो शरण में है, वो मुक्ति नहीं मिलता उसे, वो शिव में लय नहीं होगा ना। जैसे एक पत्नी अपनी पति को अलावा किसी को नहीं देखती, उसी को पतिव्रतता कहते हैं, वही देवी बन जाती है। वैसे ही ये काशी में रहने के बाद विश्वनाथ के अलावा किसी को देखना पसंद नहीं करता, किसी का सोचना पसंद नहीं करता, वो शिव में मिल जाता है। शिव में मिल लेना ही उसका नाम मुक्ति है। माने जो काशी वासी है वो जैन जा रहा है महाकालेश्वर का दर्शन करने, तो वो दूसरे का नाम ले लिया उसको नहीं हाँ यही तो बात है। एक मिनट, वो शिव को भले ही जा रहा, कहीं भी जरा अन्यत्र जा रहा, वो दर्शन कर रहे, वो शिव में ही समर्पित है ना। हाँ। काशी में रह रहा
लेकिन शिव को ही समर्पित है ना वो, अन्यत्र कहीं नहीं जा रहा। काशी में रहे के नाना प्रकार के लोग फिर और जाता है तब दोष लगता है। इन शॉर्ट मतलब आपका इष्ट एक ही होना चाहिए, शिव है तो शिव ही रहे जहाँ भी जाए। हाँ जहाँ भी जाए। और जो काशी उसी अब बोलते हैं ना काशी में मरने से मुक्ति मिल जाता है, तो काशी इसका मतलब शिव है ना, शिव का ही शरीर है। और शिव का शरीर में जब तुम समर्पण रहेगा तभी तो होगा ना, ऐसा नहीं होगा। हाँ आप जब तक अपनी आत्मा के हाँ। परमात्मा के स्वरूप में शिव को नहीं देखेंगे तब तक आपको शिव दिखेगा ही नहीं। सही बात है। मैं छोटा सा तुमको उदाहरण दिया, पत्नी पति के अलावा किसी को देखना पसंद नहीं करती, किसी के हाथ से छूना पसंद नहीं करती, किसी के हाथ से खाना खाना पसंद नहीं करती, उसको पतिव्रतता नाम रखा गया। पतिव्रतता इसका मतलब देवी होगी। वैसे कोई भक्त शिव के अलावा किसी को देखना ही पसंद नहीं करता वही तो भक्त बनेगा ना, ऐसे कहां से दूसरा कहां से बनेगा भक्त। जैसे मीरा कृष्ण का संबंध था, मीरा कृष्ण के अलावा किसी को नहीं देखती थी इसलिए कृष्ण में समा गई। सही बात है। और सुदामा कृष्ण से भाव रखता था इसीलिए वो भगवान दर्शन किया। तो वैसे ही काशी में तुम शिव भक्ति में लेन रहे तो शिव भक्ति मुक्ति मिलेगा ना। तो अन्यत्र यहाँ रह के अन्यत्र कर्म करेगा तुम कहाँ से मिलेगा? तुम भले ही पति पत्नी घर में हो, एक ही घर में हो, एक ही कमरे में रहते हो, लेकिन तुम्हारी नजर कोई और इनकी नजर कोई और तो मिलेगा कहाँ से? तुम पतिव्रतता बन ही नहीं सकता ना। तो तुम पतिव्रतता नहीं बना तो देवी कैसे बनेगा, तुम्हारी पूजा कैसे होगा? सही बात। यही बात ये है पशुपति, इसका मतलब महाराज एक मिनट कल का युग है, ये कल का युग है। शिव संसार का पति है, ये पशु है सारा संसार। जब शिव के चरणों में समर्पण होगा तभी तो शिव का धाम मिलेगा। तुम्हारे कहाँ से मिलेगा? कल का युग है, लोग कल पे जीते हैं। अब देखो राजा हिमालय की पुत्री गंगा भी है, पार्वती भी है। अगर आज पे जीने लगे तो पार्वती के साथ भगवान ने शादी की है लेकिन गंगा के साथ किए नहीं है। वो भी शादी के लिए तैयार थी ना, वो भी तपस्या करती थी शिव को पाने के लिए। लेकिन पार्वती का अटू निष्ठा, अटू विश्वास, शिव को ही पाना, अन्य किसी के साथ नहीं जाना, तब शिव जी ने धराया। उन्होंने तो साफ बोल दिया था जो होंगे उसके अलावा को 60,000 साल कड़ी तपस्या करके भगवान को पाया पार्वती। गंगा जी को तो बाद में भगवान ने सिर में धारण किया है। हाँ। इसीलिए यहाँ काशी में अठू विश्वास, काशी एक घर है, यह काशी सबका घर है। तुम्हारा घर तो एक कमरा है लेकिन काशी जो क्षेत्र है सबका घर है, जहाँ जितने भी निवास करते हैं लोग सबका है। और उससे भी बढ़कर जो विश्वनाथ के चरणों में समर्पित है सबसे बड़ा उसका है। ये नहीं कि पूजा पाठ भले ही करता हो अगर उसकी आत्मा कहीं और भटक रहा है उसके लिए काशी नहीं है, उसके लिए विश्वनाथ नहीं है, वो तो ऊपर से कर रहा ना। जैसे एक राजा राज छीन लिया, छीन के बलशाली से राज कर रहा, तो उसका नहीं होगा ना कभी भी। हाँ प्रजा उसे कभी नहीं रहेगी, एक दिन बोलेगा बहुत गद्दार करता है ये, हरा इसे। वैसे ही है, इसीलिए मैं कहना चाहूंगा काशी भगवान पंचमुखों में सबसे पहला काशी क्षेत्र ये आकाश तत्व का संबंध रखता है। यहाँ ये ज्ञान 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 क्या है, इसीलिए ज्ञान व्यापी कुआं बाद में हमने बनाया उसको। काशी का दूसरा नाम ज्ञान सिंहासन पीठ है, मठ है इसका नाम, मंदिर के बाद मठ आता है ना, काशी को एक मठ भी कहा गया है, उसको ज्ञान सिंहासन मठ कहा गया है। ज्ञान की उत्पत्ति, ज्ञान से भगवान को मुक्ति पाने वाला यही स्थान है, इसलिए काशी को ज्ञान कुआं तो बाद में बनाया गया उसको कहा गया है। हाँ तो इसीलिए काशी में विश्वनाथ जो मेन मंदिर है, वो जो लिंग है ब्रह्मांड का सबसे पहला लिंग है, वो विश्वनाथ का स्वरूप का लिंग है, और वहीं त्रिशूल गाड़े, वहीं भगवान वहीं विराजमान थे। गंगा तो बाद में आई है, पहला तो जल ही जल था। गंगा तो कालांतर में भागीरथ राजा ने, भागीरथ ने तपस्या करने के बाद में कालांतर में आया ना, पहला तो जल ही जल संसार में था, संसार में जल के अंदर त्रिशूल टोक के भगवान ने बैठे थे, वही काशी है। ये संसार से काशी अलग है। ठीक है, ओम नमः शिवाय।